welcome everyone. कैसे हैं आप सब? Hope you all great. So today we are making a red sauce pasta जिसके से ingredients बहुत ज़्यादा simple और easy हैं और बहुत झटपट बनने वाले हैं. सो चलिए अब इसके ingredients की तरफ चलते हैं. अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास था यहाँ chopped onion जिसको हमने सौते कर लेना है. जब ये हल्के सौते हो जाए तब हमने इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने हैं और इसको भी सौते ही करना है, फ्राई नहीं करना. अच्छा, तो जैसे आप अपने नॉर्मल स्पैगेटी बॉईल करते हैं वैसे आपने उनको बॉईल कर लेना है और जब उनमें बॉईल आ जाए उनको आपने छान के अच्छे से उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालना है ताकि वो साथ जुड़ ना जाए. उसके बाद जो हमारे अनियन एंड टमाटो सौते हुए थे उसके अंदर अब हमने ऐड करना है टिक्का मसाला. और टिक्का मसाला के अंदर हमने ऐड करनी है कोई सी टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस, ये सोया सॉस और चिली सॉस. ये सारे मेन इंग्रेडिएंट है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है. उसके बाद जो हमने अपने बॉईल किए स्पेगेटी थे वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, इनको मिक्स करना है और जी रेडी. अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेडी हो चुके हैं. अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट. जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्पेगेटी रेड सॉस पास्ता जो आप कहें रेडी है. बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्विक. क्या करना है इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है. मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.